तो यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा सी पैनल इसमें ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपकी जो भी डोमेन है, ठीक है, आपने जितनी भी डोमेन्स ली होंगी। अब जब मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये मेरी डोमेन्स शो करवाएगा, लेकिन मैंने ये वाली जो डोमेन है howtoclick.com, ये वाली मैंने डोमेन अपनी ओपन की हुई है। एंड इसी डोमेन में मैं आपको सी पैनल के थ्रू ऐड करके दिखाने वाला हूँ। पहले ये मेरी क्लाइंट की साइट है एंड इस पे इसके ऊपर मैंने पहले किया था वर्डप्रेस के मतलब डैशबोर्ड के थ्रू, लेकिन फिर मैंने क्लाइंट ने मुझे इसका सी पैनल का एक्सेस भी दे रखा है, तो मैंने सोचा कि बार आपको टेस्ट करके दिखवा देता हूँ। और यहाँ पे ये देखें तो सबसे पहले आपने howtoclick.com मतलब जो भी आपका सी पैनल है आपने उसको ओपन करना है। देन आपने आना है फाइल मैनेजर के ऊपर। ये सी पैनल जो भी आप होस्टिंग लेंगे हर एक का मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसकी फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद ये आपके पास आती है पब्लिक HTML, ठीक है। इसको आपने जब ओपन करना है, पब्लिक HTML को जैसे आप ओपन करें तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फाइल्स वगैरह आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम जाते हैं यहाँ पे गूगल एडसेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो टेक्स्ट फाइल मिल रही है एड्स की TXT फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली तो हमारी साइट आ गई। ये देखिए हमें ये जो फाइल मिल रही है क्रिएट एन एड डॉट TXT फाइल फॉर वन साइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल आ चुकी है एड्स, आगे ये 3 लिखा हुआ है। तो ये अगर सी पैनल में आपने अपलोड करनी है तो ये आपने 3 आगे से हटा देना है। ताकि यहाँ पे इसका मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए एड्स डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई है। एंड अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाली फाइल मैंने अपने सी पैनल में जाके अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मेरा सी पैनल ओपन है, ठीक है, ये देख ली। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से जाके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ही यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये इसने फाइल उठा ली है। एंड देन मैं जाके क्या करता हूँ कि इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। अभी यहाँ से मेरी ये जो एड्स डॉट TXT की फाइल है ये मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। एंड अगर अभी हम जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो अभी हमारा ये एरर थोड़ी सी देर के बाद जाएगा। ये फ़ौरन से एरर चला नहीं जाता, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ही जल्दी चला जाता है, लेकिन कभी ये 2 दिन इसको लग सकते हैं, ठीक है। तो एड डॉट TXT की जो आपकी फाइल है ये आपकी सबमिट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें होता ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपकी पब्लिशर आईडी होती है, ठीक है। तो आपकी ये वाली फाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है होस्टिंग के थ्रू, कैसे आपने सीपीएनएल के थ्रू जाके इसको अपलोड करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका, और बहुत ही आसान प्रोसेस है।